कल बारिश होने की वजह से भी कई बार गाड़ी स्टार्ट होने में भी दिक्कत कर रही थी, और बारिश में जैसे भीग गई गाड़ी उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करे तो सेट से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, स्टार्ट होने हो रही थी लेकिन गाड़ी सेटर जैसे ले रहे थे गाड़ी बंद हो जा रही थी। इसमें देख रहे हैं सेटर ले रहे हैं गाड़ी बंद हो जा रही है, तो इससे दिक्कत इसमें निकल के यही है, गाड़ी जैसे बारिश में भीग जा रही है उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं जैसे स्टार्ट गाड़ी बंद हो जा रही है। जिसको हम पहले चेक करने वाले हैं इंजन टेम्परेचर सेंसर, इंजन टेम्परेचर सेंसर में देखते हैं कितना क्वाइन है कितना क्वाइन नहीं है, उसके बाद इसके इसका क्या रीज़न है क्या नहीं है चेक करने वाले हैं। इंजन टेम्परेचर सेंसर को हम मल्टीमीटर बगल में रखा गया है, उसके बाद मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं इसका क्वाइन कितना है कितना क्वाइन नहीं है इंजन टेम्परेचर सेंसर का। इसका इंजन टेम्परेचर सेंसर पहले चेक करना है, उसके बाद जो कि है पानी वगैरह चेक कर लेना है कि छिड़काव कैसा है। पुराना इंजन टेम्परेचर सेंसर को हम बाहर कर लिए हैं अच्छी तरीके से लगाएं, ये 6, 7, 13 का भी बता रहा है, ये एक बराबर नहीं क्वाइन बता रहा है, देख सकते हैं। इंजन टेम्परेचर सेंसर को हम बाहर कर लिए हैं जो कि है, नया इंजन टेम्परेचर सेंसर को चेक कर लेते हैं ये कितना क्वाइन बता रहा है, इसको भी हम लगा चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं 11.95 दिखाई दे रहा है, ये बराबर जो कि अब दिखाई दे रहा है, एक वोल्ट कम पॉजिटिव नहीं हो रहा है। ये इंजन टेम्परेचर सेंसर नया वाला है, जो कि इंजन टेम्परेचर सेंसर को नया वाला लगा लेते हैं, इसमें सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करके उसके बाद जो कि हम मोटर का छिड़काव देख लेते हैं अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ से। अगर अच्छे से छिड़काव नहीं करता है समझ जाइए जो कि थोड़ा बहुत पानी भी दिक्कत कर सकता है, लेते हैं उसको लगा के चेक करते हैं। ये नया इंजन टेम्परेचर सेंसर लग चुका है ये पुराना बगल साइड में, उसके बाद हम छिड़काव देख लेते हैं इसका पाइप का कैसा है कैसा नहीं है। इस पाइप को निकाल लेते हैं दोनों तरफ को प्रेस करके, दोनों तरफ प्रेस करके खींचेंगे बाहर तभी बाहर होगा, तो बाहर कर लेते हैं दोनों तरफ प्रेस करके। जो भी प्रेस करके बाहर कर लेंगे ये, अब इसका छिड़काव चाबी आप अंदर के देख सकते हैं, तो छिड़काव एक बराबर है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से छिड़काव कर रहा है। अब इंजन टेम्परेचर सेंसर लगा लिए हैं, अब सॉकेट को हम बैठा लेते हैं अच्छे से, ये सॉकेट बैठा लिए हैं, सेटअप हो चुका है अच्छे से। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करने वाले हैं स्टार्ट करने में कोई दिक्कत होती है कि नहीं होती है, तो चाबी ऑन कर लिया है, 2-4 बार चाबी का ऑफ ऑन कर लेना है, पेट्रोल वहाँ तक इंजेक्टर तक पहुँच जाएगा तो उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं। तो चाबी का ऑफ ऑन कर लिए हैं, अब गाड़ी को स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। स्टेटर लेके देखते हैं गाड़ी बंद होती है कि नहीं होती है, गाड़ी स्टेटर ले रहे हैं गाड़ी बंद नहीं हो रही है जो देख सकते हैं, तो अच्छे से वर्क कर रहा है गाड़ी। गाड़ी को चला चेक कर लेते हैं, गाड़ी में चलाते समय गाड़ी बंद हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई दिक्कत आती है कि नहीं आती, गाड़ी चला चेक कर लेते हैं। गाड़ी को चला चेक कर लिए हैं, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चला स्टार्ट करके चेक कर ले रहे हैं, देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट भी ऑन कर लिए, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई, RPM भी एक जैसा कंट्रोल हो चुका है, स्टेटर लेके देख सकते हैं गाड़ी स्टेटर एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है, गाड़ी बंद नहीं हो रही है, तो इस समय अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, चलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।